अब तक आपने कितने का सांप देखा है? 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 का या फिर 10,00,000 का? लेकिन न्यूज फाउंडेशन आज आपको दिखाने जा रहा है एक ऐसा सांप जिसकी कीमत 2 करोड़ आकी गई है। मामला है बिहार के नवादा का, जहां के उग्रवाद प्रभावित सिरदला थाना इलाके में 6 तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन तस्करों पर आरोप है कि ये लोग सांप को पकड़कर इसकी तस्करी करते हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 करोड़ की कोई बड़ी डील होने वाली है। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से रेड सैंड बुआ, जिसे 2 मुहा सांप कहा जाता है, वो बरामद हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ और सांपों को भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सिरदला से विशाल सपेरा, गया से 3 तथा रजौली के भोर गांव से 1 तथा सिरदला के पंचापा गांव से 1 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नवादा वाला सांप तस्कर भागने में कामयाब हो गया है। विशाल नामक सपेड़े के पास से 1 2 मुहा सांप, 1 अजगर, 1 कोबरा समेत आधा दर्जन दूसरी प्रजातियों के रियर स्पीसीज वाले सांप बरामद किए गए हैं। खास बात ये कि पुलिस के हाथ उस वक्त फूल गए जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी कि कोई बड़ी डील होने वाली है, और वो डील 1-2 लाख की नहीं बल्कि 2 करोड़ की है। हमें सूचना मिली थी कि 2 करोड़ किसी सामान की डीलिंग हो रही है रजौली इलाके में। सूचना के संदर्भ में जो हमने छापेमारी की तो वो सामान एक सांप निकला। अब उसकी क्या कीमत है, वैध है या अवैध, ये इस संबंध में सभी जानकारियां हम वन विभाग से संपर्क करके ले रहे हैं और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग गिरफ्तारी है सर? पूछताछ के लिए हम लोगों ने भी 6 लोगों को अपने पास रखा है। अब न्यूज फाउंडेशन ने इस सांप के बारे में तहकीकात की तो रेड सैंड बोआ सांप की इंटरनेट पर जो कीमत है वो बेशकीमती है। माना जाता है इस सांप को दवाई या फिर तंत्र प्रक्रिया के लिए बेशकीमती बोली लगाकर खरीदी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो इस सांप की कीमत 5 करोड़ तक बताई गई है। अब बिहार की बात करें तो बिहार के नवादा के पहाड़ी इलाकों में रेड सैंड बोआ सांप आसानी से मिलता है। ऐसे में सांप की कीमत इतनी ज्यादा है, इसकी जांच की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों को इस मामले में लगाया गया है। बताया जाता है कि सांप की डीलिंग बिहार के नवादा से चलकर मुंबई में होने वाली थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ फाउंडेशन।